हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सॉलिड वर्क के दूसरे ट्यूटोरियल में। तो आज ये सॉलिड वर्क का दूसरा ट्यूटोरियल है। इसमें हम लोग टूल्स सीखेंगे। तो पहले हम लोग टूल्स सारे सीख लेते हैं, उसके बाद इसमें जो है ना मॉडलिंग करना बहुत आसान होता है, क्योंकि ये मॉडलिंग सॉफ्टवेयर ही है। तो इसमें हम लोग ड्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, मॉडलिंग भी करते हैं। ज़्यादातर मॉडलिंग के लिए यूज़ होता है। तो इसका डाउनलोड करने का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, है ना। वहाँ से आपको वीडियो गाइडेंस भी मिल जाएगा किस तरह से इंस्टॉल करना है। तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो वहाँ से, है ना। तो आज हम लोग चलते हैं। एक पहले इसका एक ट्यूटोरियल मैंने डाला है, उसमें कुछ चार पाँच टूल्स, दो तीन टूल्स मैंने दिखाया है कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं ना। तो फिर हम लोग पार्ट्स में आए, पार्ट्स में आके ओके कर दिया, या फिर डबल क्लिक वहाँ भी कर सकते थे। ओके किया, ये ओपन हो रहा है ना। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पार्ट्स है, असेंबली है और ड्राइंग है। तो ड्राइंग जो हम लोग को मॉडलिंग करने के बाद ड्राइंग का ज़रूरत होता है, तो हम लोग वो ड्राइंग ही इंडस्ट्री में देते हैं। तो उसके हिसाब से जिस तरह का ड्राइंग रहता है, वैसा हम लोग सीएनसी में या फिर सीएनसी जो भी मशीन हो आपके पास, सीएनसी, बीएमसी, एचएमसी, कोई सा भी मशीन हो, उसमें कोऑर्डिनेट सेट करके हम लोग मशीनिंग करते हैं, है ना। तो ये रहा अपना ये प्लेन, है ना। यहाँ पे हम लोग स्केच पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्लेन कोई सा भी प्लेन हमने सेलेक्ट कर लिया। तो हमने ये रेक्टेंगल तक देख लिया था। अभी है ये आर्क स्लॉट, स्लॉट्स है ये, है ना। तो इसमें स्लॉट जब हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे, तो जितने टाइप के स्लॉट्स हैं ये आ जाएंगे अपने यहाँ पे। स्लॉट स्लॉट टाइप लिखा हुआ यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा। या फिर आप इसके बार पे भी क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे भी आपको वही वही चारों स्लॉट्स दिखेंगे आपको, है ना। तो सबसे पहला है स्ट्रेट स्लॉट। स्ट्रेट स्लॉट में क्या होता है, जैसे हमने इन टू इंड, सॉरी ये स्ट्रेट स्लॉट सेलेक्ट नहीं हुआ ना। तो पहले हम लोग ये पे क्लिक करते हैं, इसके बाद फर्स्ट स्ट्रेट स्लॉट, है ना। स्ट्रेट स्लॉट हमने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे इन टू इंड जितना बड़ा चाहिए, इन टू इंड पहले क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसको जितना बड़ा चाहिए उतना बना लेते हैं। अब इसमें डायमेंशन चेंज करना हो तो क्या कर सकते हैं हम लोग, स्मार्ट डायमेंशन से जितना बड़ा स्लॉट चाहिए उतना बड़ा हम लोग डाल सकते हैं। जैसे ये 73 mm का है, इसको 100 mm करना हो तो 100 डाला हमने, इंटर कर लिया, ये 100 mm का हो गया। ये आर्क का रेडियस ज़्यादा चाहिए था तो हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। 18 है, 20 चाहिए था, 20 कर लिया हमने, है ना। ये स्ट्रेट स्लॉट हो गया। ये नेक्स्ट है अपना, ये मिड पॉइंट वाला, है ना। ये सेंटर सेंटर पॉइंट से जितना इस साइड जाएंगे उतना उस साइड भी जाएगा। ये एक तरह से स्ट्रेट स्लॉट ही है, आप बोल सकते हो। इसमें ये सिर्फ है, डिफरेंस क्या है, हम लोग इन टू इन लिए थे, इसे मिडिल से ले रहे हैं, है ना। फिर डायमेंशन सेम ही करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है अपना थ्री पॉइंट, है ना। थ्री पॉइंट में क्या करते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, सेकेंड पॉइंट लेते हैं, उसके बाद बीच वाला मिड वाला पॉइंट कहाँ पे रखना हो, ये हमने मिड वाला पॉइंट ले लिया। अब यहाँ से खोल देते जितना बड़ा चाहिए स्लॉट हमको उतना बड़ा, है ना। अब इसमें भी हम लोग मान लिया है, इसका ये जो स्लॉट है, ये बीच वाला जो इसका कुछ रेडियस चाहिए था ये इस वाले का, तो इसका हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे 64 रेडियस का है, तो हम लोग ज़्यादा रखना हो, 100 का रखना हो, तो हमने 100 कर लिया, ये आप देख सकते हो, है ना। इसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं सब कुछ, है ना। उसके बाद इसका भी रेडियस कम करना हो तो ये भी हम लोग कम कर सकते हैं, ये भी कम कर सकते हैं। मान लिया 15 है, 20 डाल दिया हमने, और इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसके इंड टू इंड, ये इसको हम लोग 100 कर ले रहे हैं, है ना। तो ये हम लोग डायमेंशन चेंज कर सकते हैं सबका, है ना। ये हो गया थ्री पॉइंट स्लॉट, मतलब आर्क स्लॉट, थ्री पॉइंट आर्क स्लॉट, है ना। नेक्स्ट है अपना ये जो कि सेंटर पॉइंट से, मान लिया इसका ये सेंटर है, इसी सेंटर को मानते हुए, मतलब मेज़र करते हुए इसी सेंटर से दूसरा एक स्लॉट बनाना है, जो कि मान लिया यहाँ से इतना इतना बड़ा स्लॉट बनाना, मान लिया इतना बड़ा, इतना सा ये स्लॉट का लंबाई हो गया, उसके बाद स्लॉट का ये विड्थ हो गया कितना चाहिए। हम लोग इसको फिर से मेज़र कर सकते हैं, इसके रेडियस इसका डाल सकते हैं हम लोग यहाँ से, और सब कुछ हम लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया अपना स्लॉट्स, स्लॉट्स का टाइप, स्लॉट्स का टाइप चार चार टाइप के स्लॉट्स है इसमें, और कैसे इसका यूज़ होता है। हम लोग ऑटोकैड में जब बनाते थे तो पहले क्या करना पड़ता, इस सेंटर से लेके इस
रेडियस तक का एक सर्कल बनाना पड़ता है ना, उसके बाद इस रेडियस का सर्कल, इस रेडियस का सर्कल, और जितना चाहिए उतना रख के बाकी सबको ट्रिम करना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग आसानी से इजिली बना लेते हैं, है ना, तो ये फ़ायदा है इसमें। उसके बाद है सर्कल, है ना, उसके बाद सर्कल है तो हम लोग ये, हाँ ये स्पेस बार जो होता है, स्पेस बार क्लिक करने के बाद ये होता है नॉर्मल करने के लिए, है ना, ये नॉर्मल सब में होते हैं जितने सॉफ्टवेयर है ना, मॉडलिंग सॉफ्टवेयर सब में नॉर्मल करने का अलग अलग ऑप्शन होता है। तो हम लोग इसमें ये स्पेस बार बटन क्लिक करके यहाँ इसको नॉर्मल किया जा सकता है, और फिर यहाँ से ये आप देख सकते हो फिट होता है, जूम टू फिट, है ना, ये जूम करने के लिए, एरिया जूम करने के लिए, मान लिया ये क्लिक किया और सिर्फ इतना बड़ा एरिया जूम करना हो तो हमने वहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, है ना, और स्क्रॉल से स्क्रॉल करते हैं तो ये जूम आउट जूम इन होता है ना, और जूम टू फिट मतलब फिट मतलब उसके स्क्रीन इतना आ जाएगा ये। उसके बाद ये सब प्रोजेक्शन सेक्शन दिखाने के लिए होता है, ये प्रीवियस व्यू दिखाने के लिए, ये वाला फिट, ये जो है ना ये आप देख सकते हो साइडेड है, हिडन है, जो हमने ऑटो कैड में देखा था वही सेम है ना। उसके बाद ये ऑप्शन हम लोग नॉर्मल करने के लिए ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, ये वाला नॉर्मल करने के लिए, और ये फ्रंट व्यू, बॉटम व्यू, टॉप व्यू, ये सब है ना, ये टॉप व्यू, ये बॉटम व्यू, ये इस तरह का व्यू है सारे, तो हमने ये नॉर्मल कर लिया, ये समझ में आ गया। बाकी सब भी हम लोग देखेंगे, सब एक एक तरह से देखेंगे, अभी हमने ये समझ में आ गया, ये फिट करने के लिए डिस्प्ले पे पूरा फिट हो जाएगा, जितना हमने बनाया है कुछ फिगर उतना डिस्प्ले पे फिट हो जाएगा। ये है जूम करने के लिए, जूम आउट जूम इन करने के लिए, है ना, उसके बाद ये प्रीवियस व्यू के लिए, है ना, प्रीवियस व्यू हमने ऐसा रखा था, उसके बाद व्यू ये आ गया है ना। नेक्स्ट है अपना सर्कल, सर्कल अभी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सर्कल देख लेते हैं, तो सर्कल को भी हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते दो तरह का सर्कल आ रहा है, एक सेंटर से और थ्री पॉइंट से। एक सेंटर से मतलब कहीं भी मान लिया ये कोई सेंटर है, इससे कोई सर्कल बनाना हो जिसका रेडियस डायमीटर कुछ भी हो, तो हमने पहले बना लिया, उसके बाद रेडियस डायमीटर डिसाइड कर लेंगे यहाँ से, है ना, स्मार्ट डायमेंशन लेकर के यहाँ से हम लोग डिसाइड कर लिया 200 का डायमीटर का ये रहा, है ना, 200 डायमीटर का ये हमने बना लिया। नेक्स्ट है अपना थ्री पॉइंट, थ्री पॉइंट मतलब क्या, तीन पॉइंट कहीं पे दिया हुआ, जैसे ऑटो कैड में हमने सीखा था थ्री पॉइंट से, तीन पॉइंट से मिलकर के बनता है, तो मान लिया एक पॉइंट ये हो गया अपना, दूसरा पॉइंट मान लिया कुछ, दूसरा पॉइंट कहीं मान लिया और तीसरा पॉइंट मान लिया कहीं पे है, तो तीन पॉइंट से हमने सर्कल बना लिया। इसमें सेंटर का कोई ज़रूरत नहीं होता, कोई यूज़ नहीं, सिर्फ थ्री पॉइंट्स होना चाहिए, उससे सर्कल बनता है ना, ये समझ में आ गया। अब ऐसा है कि एक सर्कल चाहिए जो कि डॉटेड लाइन से बने, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये सर्कल है उसको डॉटेड लाइन से करना हो, या ये सर्कल है इसको डॉटेड लाइन से करना है, तो क्या करेंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो फोर कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, ये हम लोग फोर कंस्ट्रक्शन के लिए क्लिक करके ओके कर लिया, ये आप देख सकते हो डॉटेड लाइन में आ गया है ना। तो डॉटेड लाइन के लिए, अब जो डॉटेड लाइन में आ गया वो सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होगा, वो हम लोग एक्सट्रूड नहीं कर सकते हैं, ये एक तरह का रेफरेंस होता है, रेफरेंस में चेंज करने के लिए। तो ये हमने देख लिया सर्कल, है ना, तो आज के लिए इतना ही, छोटा छोटा वीडियो ही देखेंगे हम लोग, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे का देखेंगे। तो अगर जो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कंटिन्यू वीडियो आएंगे तो वो नोटिफिकेशन आपके पास आते जाएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।